तो हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक सबसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ड्यू ओपन बुक एग्जाम 2020 कैंसिल हो चुके हैं क्या? तो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे एक और चीज़ की, फर्स्ट ईयर के कुछ असाइनमेंट की अपडेट हैं वो आपको बताएंगे। वीडियो के नीचे सीधा टाइम स्टैम्प दे रखा है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो भी हैं वो स्किप कर सकते हैं क्योंकि गाइस आज ये वीडियो इंपॉर्टेंट थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड ईयर की, देन हम जाएंगे फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट की कुछ अपडेट्स पे। तो गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट की न्यूज़ के साथ। तो गाइस क्या उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या उनका भविष्य अंधकार में, इन्हीं चीज़ों पर मैं बात करने आया हूँ। तो गाइस आप जैसा जानते हैं कि ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि इस साल गाइस थर्ड ईयर के ओपन बुक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली है 10 जुलाई से। लेकिन गाइस उससे पहले उन्होंने डिसाइड करा था कि हम कुछ मॉक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। तो गाइस मॉक टेस्ट कंडक्ट हुए और मॉक टेस्ट के बाद क्या हुआ, वेबसाइट में गाइस क्या हुआ, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एक ऑफिशियल लिंक आपको दिख रहे होंगे दो तीन, ये है रजिस्ट्रेशन के लिए मॉक टेस्ट के। और गाइस इन्हीं लिंक के बाद, इन पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप ओपन बुक एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो गाइस क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मॉक टेस्ट हो रहा है आपके, यहाँ पे जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं गाइस, वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो उनके बीकॉम के हो रहे हैं। मतलब गाइस इतनी लापरवाही ऐसे कैसे हो सकती है, जिस वेबसाइट पे गाइस अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड सही से नहीं हो पा रहे, आंसर शीट बच्चे अपलोड नहीं कर पा रहे, उन पर पासवर्ड नहीं आ रहा, उन पर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा गाइस, तो थर्ड ईयर का ओपन बुक एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराएंगे? तो गाइस मेन मुद्दा क्या रहने वाला है अब मैं आपको बता देता हूँ। 10 जुलाई को आपका होगा क्या, आप जानते हैं, पहले मैं बात करता हूँ 25 जून को, अगर ये या आपको याद होगा गाइस SOL की बात है। इसमें देखिए जैसे SOL का लिंक दे रखा है, तो 25 तारीख को गाइस SOL की वेबसाइट पर फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट आए थे। जैसे ही आए थे गाइस बच्चों को जैसे ही पता चली, सुबह 9 बजे तक, 8-9 बजे तक आप मान लीजिए असाइनमेंट जैसे ही बच्चों ने देखना शुरू करे, एक साथ गाइस ओवरलोड हुई वेबसाइट और क्या हुआ, क्रैश मार गई। उसको क्रैश को ठीक करने में इनको लग गए 4-5 दिन। और गाइस 10 तारीख को अभी मॉक टेस्ट हो रहे हैं थर्ड ईयर वालों के, अभी मॉक टेस्ट में इतने बच्चे अपीयर नहीं हो रहे जितने, क्योंकि गाइस जब आपके ओपन बुक एग्जाम होंगे 10 जुलाई से, उसमें तो सब अपीयर होंगे, लाखों करोड़ों बच्चे अपीयर होंगे गाइस। जैसे ही वो वेबसाइट को एक साथ खोलेंगे क्या होगा, 10 तारीख को मैं आपको बता रहा हूँ वेबसाइट क्रैश होने वाली है। तो गाइस उस दिन आपकी वेबसाइट क्रैश होगी, ये 100% तय है, क्योंकि गाइस जो अभी काम सही से नहीं हो रहा हो, ऐसा क्या कर देंगे 3-4 दिनों में कि आपकी वेबसाइट ठीक हो जाएगी, आप क्या एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट करा पाएंगे, इसकी क्या गारंटी है, आप आंसर शीट अपलोड कर देंगे। तो गाइस यही बहुत सारे डाउट आपके हैं जिनको इनको सॉल्व करना चाहिए, इनको बताना चाहिए, अलग से आके अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ करना चाहिए। तो गाइस और जय रही आपके बाद एग्ज़ाम कैंसिल होने की, तो जितना गाइस मैं आपको बता दूं, जो ड्यू के बड़े बड़े खुद अधिकारी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के गाइस, वो इसके पक्ष में है कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट को भी प्रमोट कर दिया जाए, उनके एग्ज़ाम ना लिए जाए। पर गाइस कुछ कारणों के कारण आपके अभी भी ओपन बुक एग्ज़ाम पे ही बने हुए हैं। हाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा यहाँ पे, चलिए आपको प्रमोट करना, आप भी इनके भी क्या करिए, असाइनमेंट ले लीजिए गाइस। जो जो भाई इस वक्त मेरी इस बात से सहमत हो, कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा कि क्या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्या भाई इसके पक्ष में है कि उनके असाइनमेंट हो जाए एज़ कम्पेयर टू ओपन बुक एग्ज़ाम, क्या वो क्या पसंद करेंगे, ओपन बुक एग्ज़ाम या फिर असाइनमेंट? तो भाई मैं तो यही करूँगा उनके असाइनमेंट ले लिए जाएँ, पर ओपन बुक एग्ज़ाम जिस दिन होगा, अगर आपने वाइज आपने ओपन बुक एग्ज़ाम को कैंसिल करने का फैसला नहीं लिया और उस दिन वेबसाइट चली और जैसे ही जब बच्चे खोलेंगे वेबसाइट मार जाएगी क्रैश, और इससे भाई और लाखों जो बच्चे होंगे उनका भी सर दर्द होने लग जाएगा कि अब कैसे होगा, फर्स्ट ईयर का ड्राइव थर्ड ईयर का है, वैसे ही भविष्य का सवाल आने वाले, रिपोर्ट कार्ड भी गाइस उन्हीं की मिलनी है। और गाइस अगर ऐसे में एग्ज़ाम की जब वेबसाइट ही वो नहीं खोल पाएंगे, जब क्रैश हो जाएगी, तो फिर वो क्या करेंगे गाइस, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए मैं तो इस पक्ष में हूँ कि गाइस उनको प्रमोट करा जाए ओपन बुक एग्ज़ाम ना करके, ज़्यादा से ज़्यादा उनके असाइनमेंट लिए गाइस। और जो भी मेरी इस बात से गाइस सहमत है बच्चे, वो कमेंट बॉक्स में गाइस मुझे बताइएगा, आपको मैं सपोर्ट करूँगा, हम लेके जाएंगे गाइस इसे ट्विटर पर ट्रेंडिंग में लाएंगे टॉपिक को, ये मेरा आपसे वादा है। और गाइस अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की, तो अभी मैं भी यही कहूँगा थर्ड ईयर को जाते जाते आपको चिंता ना करें, 1-2 दिन में आपके लिए जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, योर ओपन बुक एग्ज़ाम विल कैंसिल वेरी सून, ये मैं कह रहा हूँ गाइस, वेरी सून मतलब आपको बहुत ही जल्दी आपको ये नोटिस देखने को मिलने वाला है कि आपके ओपन बुक एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं। तो गाइस अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की, तो गाइस जो फर्स्ट ईयर की अभी वेबसाइट है SOL ड्यू की, वो तो खैर गाइस अभी आपकी खुल नहीं रही है, इस टाइम अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो गाइस अभी वो आपकी वेबसाइट नहीं खुल रही है। तो देखिए जैसे ही अभी मैंने बात करी थर्ड ईयर की वीडियो में, जो मैंने बताया
जो उनकी न्यूज़ में होता है कि जब वो अगर कहीं आपकी SOL की वेबसाइट नहीं खुल रही तो ओपन बुक एग्जाम के लिए जब लाखों बच्चों खोलेंगे ओपन बुक कैसे हो जाएंगे। तो भाई सीधी सी बात है ना। तो अब बात करते हैं गाइस मेन मुद्दों पे जो फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट है। देखिए भाई आपका कल मैंने आपको वीडियो के थ्रू बता दिया था एक ऑफिशियल वीडियो बना के कि आपका असाइनमेंट अगर आपने गलत अपलोड कर दिया है तो रीअपलोड का ऑप्शन आपके पास आ चुका है। रीअपलोड गाइस आप उसे करते हैं तो आपको तीन कारण बताने होंगे। पहले वहाँ पे आपसे तीन चीज़ें पूछेगा कि आपने गलत PDF अपलोड कर दिया है या फिर आपने सही अपलोड करी है। कोई छोटा सा जैसे आपको कोई मान लीजिए एग्जाम रोल नंबर कुछ गलत है तो आपको करेक्ट अप पे क्लिक करना है, और कोई अदर डाउट है तो आपको अदर लिंक पे क्लिक करके वो रिजल्ट लिख देना है गाइस। तो ये तीन चीज़ें पूछेगा फिर आप उसे अपना रीअपलोड कर सकते हैं। और गाइस मैं आपको यही कहूँगा अगर आपने अपने असाइनमेंट बना लिए हैं और आप सोच रहे हैं अभी हम अपलोड ना करें तो गाइस 10 तारीख तक आप इसे अपलोड कर दीजिएगा। आप 11 जुलाई का बिल्कुल भी इंतजार मत करिएगा जो भी हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। और गाइस उनकी जो बाकी मोटी मोटी क्वेरीज थी जैसा उनको पता ही होगा कि फ्रंट शीट पे क्या लिखना है गाइस, इन सब पे तो मैंने कब का वीडियो उनकी बना दी है गाइस। उस पर मैंने जो अपनी एक दो दिन पहले जो वीडियो बनाई थी गाइस उसमें मैंने सारे डाउट लिए थे फर्स्ट ईयर के कि आपको कैसे अपलोड करना है, क्या आपको रीअपलोड का ऑप्शन मिलेगा। वो तो खैर गाइस आपको कल मिल गया। मैंने आपको फ्रंट शीट का एकदम फुल डेमो भी दिखाया था गाइस, आपको उस पर क्या क्या लिखना है बकायदा। तो गाइस यही तो फर्स्ट ईयर के मोटे मोटे डाउट थे, ये तो शायद अभी क्लियर हो रखे हैं और रीअपलोड का ऑप्शन आ चुका है। यही एक छोटी सी आपका वही था डाउट तो जो आप मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था। अब आपको गाइस मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। आपसे जाते जाते गाइस यही कहूँगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ अपने और सारे ग्रुप्स में गाइस, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइएगा। अब भी कोई डाउट है तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स दिया है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।